भोजपुरिया सिनेमा में दोबारा जान फूंकने वाले और बनारस के घाटों की सीढ़ियों से संसद तक का सफर तय करने वाले सांसद, गायक और अभिनेता मनोज तिवारी के सुरों पर जल्द ही कोलंबिया के लोग झूमने वाले हैं। अगले महीने 20 अगस्त को अमेरिका में आयोजित होने वाले सुर संध्या कार्यक्रम में भारतीय और अमेरिकी नागरिक हिस्सा लेंगे। इसके अगले दिन भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन वर्जीनिया के फॉल्स चर्च में किया गया है। खास बात यह है कि इस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ओबामा के साथ ही मनोज तिवारी भी अपनी छटा बिखेरने के लिए वहां मौजूद होंगे। ये आयोजन इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेट्रोपोलिटन वॉशिंगटन एरिया नामक संस्था की तरफ से किया जा रहा है। 20 अगस्त को सुर संध्या के नाम से होने वाला पहला कार्यक्रम कोलंबिया के स्लेटन हाउस में रखा गया है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के साथ ही मनोज तिवारी के सुरों पर अमेरिकी जनता भी झूमने को तैयार है। ये अपने आप में अनोखा संगम होगा, क्योंकि पॉप पर झूमने वाले लोग हिंदी और भोजपुरी संगीत पर थिरकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं पहले कार्यक्रम के बाद अगला आयोजन 21 अगस्त को वर्जीनिया के फॉल्स चर्च स्थित चार्ल्स सी मार्शल हाई स्कूल में आयोजित किया जाएगा। खैर, भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम भारत के लिहाज से बेहद खास होने वाला है, क्योंकि भारत की आज़ादी का जश्न अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर मनाएंगे। साथ ही सुरों का संगम इस कार्यक्रम में चार चांद लगा देगा। न्यूज रूम से मेघा की रिपोर्ट।